अपने इलाके से खास वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक क्लिक कीजिए। जन्मदिन में यहाँ पर अपना रसीद कटवा के पैसे जमा करके, ये है कि भाई गरीबों को हमारे तरफ से भोजन कराया जाए। तो कोई जन्मदिन में आते हैं, कोई शादी की सालगिरह में या घर में पुण्यतिथि वगैरह करते हैं, वो लोग भी आके यहाँ पर अपना सहयोग राशि दे गरीबों को भोजन कराते हैं। यहाँ पर क्या है, जो लोग पेशेंट लेके आते हैं वो तो बेचारे वैसे परेशान, फिर पेशेंट की सेवा करें कि वो अपना खाना बनाए और खाएं। मेन है स्वच्छ भारत की एक कल्पना है कि आप आज देखेंगे तो इस कैंपस में एक भी चूल्हा नहीं मिलेगा। जिला अस्पताल में मरीजों के परिजनों द्वारा कई जगह चूल्हे जलते थे और गरीब आदमी यहाँ आके खाना बनाता था और परेशान होता था। हम लोगों के दिमाग में ये बात आई कि अगर इन लोगों के चूल्हे बंद करा दिए जाए और इन्हें भोजन उपलब्ध कराया है तो एक अच्छी बात होगी। उस वक्त के जिलाध्यक्ष लेखता जो थे उनसे चर्चा की गई और जिला अस्पताल परिसर में हमें एक प्रांगण मिला जिसमें हम लोगों ने अपनी सेवाएं शुरू की और धीरे धीरे 2010 से आज 2018 में हम लोग यहाँ पहुँचे। यहाँ क्या काम करती हैं आप? खाना बनाते, दाल चावल सब्जी जो है। कितने साल से काम कर रही है? तो यहाँ आपको अच्छा लगता है लोगों को खाना खिलाना? आपको अच्छा लगता है? पहला तो सबसे ज़्यादा जब मरीज आता है तो ये परेशान होता है कि उसकी पहली व्यवस्था ये है कि 5 रुपये का कूपन हमारे यहाँ से जाते हैं सेवाधारी, तो 5 रुपये का कूपन हर बेड के पास मरीज के पास जाते हैं। तो जो मरीज के अटेंडर होते हैं, जो मरीज के सेवा के लिए आते हैं, उनको 5 रुपये के कूपन में भर पेट भोजन यहाँ कराया जाता है। मरीज के लिए खिचड़ी देते, दूसरा ठंड में कंबल की व्यवस्था है, आप कंबल ले जाते हैं इस तरीके से। और बढ़िया से गर्मी में आप भोजन करिएगा, ठंडा पानी और भोजन की व्यवस्था। तो आज काय की सब्जी बन रही है? तो ये शाम वाली है, आलू सेम। अच्छा, शाम को बनेगी। क्या काम करती हैं आप यहाँ? हो गया आटा लगाना, सब्जी काटना, बर्तन धोना, सभी काम करना पड़ता है। आपने कोई संस्था में जब स्टार्ट करना था ऐसे गेस्ट बुकिंग था, उस दिन से मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं परमानेंट इस संस्था की मेंबर बनी हूँ। और मैं डेली जिस दिन से 2008 से ये 10 से शुरू हुआ उस दिन से लेकर आज तक रेगुलर